छत्तीसगढ़ के गुंदरदेही विधानसभा के ग्राम बुंदेली पापरा और फरदही में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह पर बालोद जिला के जनप्रिय नेता कुंवर सिंह निषाद संसदीय सचिव एवं विधायक ने क्षेत्रवासियों की खुशहाली के लिए माँ दुर्गा की पूजा अर्चना किया और शासन की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है या नहीं इस पर ग्रामवासियों से चर्चा कर जानकारी लिया। साथ ही विधायक ने शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम स्तर पर सही तरीके से हो रहा है या नहीं इसका भी समीक्षा ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ बैठक कर किया। इस दौरान अनेक निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। सरल एवं मृदुभाषी विधायक निषाद ने उद्बोधन में कहा कि भाजपा महिला मोर्चा हल्ला कर रही है, अच्छी बात है, परंतु शराब बंदी पर रमन सिंह से जाकर पूछे कि 15 साल में उन्होंने शराब बंदी क्यों नहीं किया। साथ ही साथ पंच कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार के महंगाई पर क्यों हल्ला नहीं कर रहे हैं, आज हर चीज का दाम आसमान छू रहा है पर इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ग्राम पापरा में आज बहुत अकन काम के लोकार्पण भूमि पूजन हुई से पुल पुलिया सामुदायिक भवन पशु औषधालय और अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना थे तेमें जनता मन के मांग रही कि जिन मुख्य मार्ग देखे हो आप मन गौठान से लेकर स्कूल तक पानी भरे थे तो ओकर बदले 500 मीटर नाली निर्माण की भी हम घोषणा करें तो ये एक विकास के कड़ी गाँव के विकास और गाँव में हम देखथन कि भाई मांग तो बहुत होते लेकिन जहाँ सार्वजनिक ही थे वो काम लोग पहले करथन और प्राथमिकता के आधार पर वो काम लोग करथन। जरूर संक्रमण के कारण कोरोना के कारण बहुत अगर विकास काम में अवरुद्ध हो रही थी लेकिन अभी लगातार सरकार जनहित के काम पर ध्यान देते और वो कड़ी में आज हम 5-6 ठन काम किए लोकार्पण भूमि पूजन करे हैं तो मैं आज क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते पूरा ग्रामवासी मन के आभार भी करता हूँ कि आप मन के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे। गुंडरदेही विधानसभा में खासकर अभी डोंडी लोहरा के जो गुंडरदेही विधानसभा था उसमें अभी हमारी माननीय विधायक जी के विशेष प्रयास से आदिवासी उप योजना से लगभग 45 पंचायत में 6 करोड़ रुपए की विकास राशि जारी हुई है। मैं निश्चित रूप से क्षेत्रवासियों की तरफ से माननीय विधायक जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी राशि लाकर हमारे क्षेत्र में विकास की एक नई गाथा लिखी है और उसी विकास कार्य के भूमि पूजन के लिए हम अभी लगातार जनसंपर्क कार्यक्रम लगातार एक हफ्ता हम अपने क्षेत्र में दौरा कार्यक्रम कर रहे हैं। समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से हमारे विधायक जी को पुनः बालोद से दीपक दिवांगल सीजीविजन टीवी।